हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इन एवरी एग्जाम देयर इज एटलीस्ट वन क्वेश्चन दे आस्क फ्रॉम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। सो देर आर ऑलमोस्ट 8 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड विल डिस्कस इट वन बाय वन। टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट दी टू थ्योरीज, दैट इज मैस्लोस एंड ERG थ्योरी। सो लेट्स बिगिन दिस। द वेरी फर्स्ट थ्योरी इज मैस्लोस थ्योरी। तो मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी बोलते हैं इसको। AH मैस्लो ने ये थ्योरी दी थी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी प्रपाउंड करी थी। द वेरी फर्स्ट थिंग यू कीप इन नोट इज दिस थ्योरी हैज बीन गिवन बाय द AH मैस्लो। AH मैस्लो बोलते हैं विद इन एवरी ह्यूमन बींग देर इज हायरार्की ऑफ नीड्स। इसका मतलब ये है कि हर इंसान के अंदर नीड्स की हायरार्की होती है। स्टेप बाय स्टेप वो अपने इच्छाओं की तरफ बढ़ता है। ऐसी बात नहीं है उस स्टार्टिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर मेरे पास आई एम वेरी हंग्री, अगर मैं बहुत भूख हूँ तो अभी मैं सिर्फ खाने के अलावा और कुछ नहीं सोचूंगी। अभी मैं ये नहीं सोचूंगी कि या मुझे प्रमोशन चाहिए या मेरे को मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए। मुझे व्हाट आई नीड राइट नाउ इज जस्ट फूड, सो दैट माई हंगर विल बी फिनिश्ड। सो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ये कहा गया है कि एक इंसान के पास जब घर आ जाता है, जब खाना आ जाता है, देन शेल्टर आ जाता है, फूड आ जाता है, देन ही मूव बैक टू द कि ठीक है हमें थोड़ा सा सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए। जब सोसाइटी में रिस्पेक्ट आ जाती है तो ही थिंक्स अबाउट कि मेरी जॉब अच्छी होनी चाहिए। जब जॉब अच्छी हो जाती है तो ही थिंक्स अबाउट कि ठीक है लेट्स गो समवेयर आउट, अपन कहीं बाहर घूम कर आते हैं, कुछ नई कंट्री में देख कर आते हैं। तो मतलब ये स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल सिक्वेंस होता है। आप स्टार्टिंग में ही हायर नीड्स के बारे में नहीं सोचते, आपके जब लोअर लेवल की नीड्स सेटिस्फाई होती है तब जाके आप हायर लेवल की नीड्स की तरफ मूव ऑन करते हो। तो इसी में ये बोला गया है कि जो सबसे पहली नीड होती है वो होती है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होती है, देन आपकी सेफ्टी नीड्स आती है। तो साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या आती है, जो अपने फूड हो गया, वाटर हो गया, अपना शेल्टर हो गया, ये सब अपने साइकोलॉजिस्ट नीड में आती है। तो साइकोलॉजिस्ट नीड्स आर द मोस्ट पावरफुल मोटिवेटर्स। क्यों? क्योंकि ये सबसे फर्स्ट स्टेप है मोटिवेटर्स का। आज नो ह्यूमन बींग कैन सर्वाइव विदाउट देम। जब तक आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट नहीं होगी कोई भी ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा, जब तक उसके पास खाना नहीं होगा, उसके पास शेल्टर नहीं होगा। वंस जैसे अपन हम इसको ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अपन जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सबसे पहली अपनी कौन सी साइकोलॉजिकल नीड होती है, दैट इज सैलरी। अपन को सबसे पहले अपन क्या सोचते हैं कि अपन को सैलरी मिलेगी, अपन अर्न करेंगे। तो जैसे ही अपन की साइकोलॉजिकल नीड पूरी होती है, अपन ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, अपन को सैलरी मिलती है, फिर अपन अपनी सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचते हैं। सेफ्टी नीड्स आर कंसर्न्ड विद प्रोटेक्टिंग द पर्सन फ्रॉम फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म। जैसे कि अपन क्या सोचेंगे कि यार अपन जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वो ऑर्गेनाइजेशन में अपन को सेफ्टी के लिए अपनी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, अपन को पेंशन मिलनी चाहिए, अपन के पास इंश्योरेंस होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी अपन को देनी चाहिए ताकि अपन सिक्योर रहे। ठीक है, तो दीज नीड्स कैन बी सेटिस्फाई बाय मेकिंग प्रोविजंस, जैसे कि पेंशन हो गया, ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी हो गई, सेफ वर्किंग कंडीशंस हो गई। अगर आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो, यार एटलीस्ट मैं ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ जहाँ पे एकदम मेरी सेफ्टी है, मेरे वर्किंग कंडीशन एकदम सेफ है। तो जैसे ही आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होगी, आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी होगी ऑर्गेनाइजेशन में, देन फिर आती है सोशल नीड्स, जिसको अपन लव और बिलोंगिंगनेस नीड भी कहते हैं। तो सोशल नीड्स रिलेट टू डिजायर टू हैव सोशल इंटरेक्शन। अपन जब चलो ठीक है अपन ने आज अपन एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, अपन ने सोचा अपनी सैलरी आ जाएगी, दैट इज द साइकोलॉजिकल नीड। ठीक है, अपन को इंश्योरेंस दिया है कंपनी ने, अपनी सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन भी सही है, तो अपनी सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो गई। बट अपन एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करेंगे जहाँ अपन रोज आ रहे हो, तो अपन को क्या चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, अपन को अफिलिएशन चाहिए, अपन को बिलोंगिंगनेस चाहिए ग्रुप के अंदर, अपन को एक्सेप्टेंस चाहिए कि हाँ जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्होंने मुझे एक्सेप्ट करा है और हम साथ में एक दूसरे के सपोर्ट के साथ आगे काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, काम करके वापस आ रहे हो, तो मतलब यू आर लाइक अ डीमोटिवेटेड काइंड ऑफ थिंग। जब तक आपकी फ्रेंडशिप्स नहीं बनेगी, आपकी कलीग से बातें नहीं होगी, तो वो वाली नीड होती है सोशल नीड्स। तो वंस योर साइकोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड, यू मूव टू द सेफ्टी नीड्स। वंस सेफ्टी नीड्स आर सेटिस्फाइड, यू मूव टू द सोशल नीड्स। वंस योर सोशल नीड्स आर सेटिस्फाइड,
यू बिलोंग टू द सेल्फ एस्टीम नीड्स. सेल्फ एस्टीम नीड्स को अपन इगोइस्टिक नीड्स भी कहते हैं. तो सेल्फ एस्टीम नीड्स कॉन्स्टिट्यूट द फोर्थ लेवल. ये कौन से लेवल पे आती है? फोर्थ लेवल पे आती है. और इसमें क्या कौन कौन सी नीड्स आती हैं? जैसे कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइम से काम कर रहे हो, आपकी सैलरी भी आ गई है, इंश्योरेंस भी हो गया है, आपके अच्छे से मैनेजर के साथ बनती भी है, आपके सोशल ग्रुप्स भी बन गए हैं. तो नाउ व्हाट यू थिंक कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी लगातार दे रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, आपको एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, आपको अटेंशन स्टेटस मिलना चाहिए, आपकी रेपुटेशन होनी चाहिए, आपको अपने मैनेजर से अप्रिसिएशन मिलना चाहिए. तो इसमें क्या होता है, ये अपनी सेल्फ एस्टीम नीड्स होती है कि हमने काम किया है तो ये नीड रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें अपन को चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि हाँ इफ़ आई हैव डन समथिंग वर्क तो मैनेजर सबके सामने मुझे रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, सब लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, सब मेरा जो स्टेटस है उसको उस तरह सबका अटेंशन होना चाहिए, मेरी रेपुटेशन होनी चाहिए क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ. तो ये आती है फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, एस्टीम, सेल्फ एस्टीम नीड्स जिसे अपन कहते हैं. वंस सेल्फ एस्टीम नीड्स आर सेल्फ सेटिस्फाइड देन द हायर लेवल ऑफ नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. इसमें आप क्या सोचोगे कि आपको अब ग्रोथ चाहिए, ठीक है. द फोर्थ नीड्स डिस्क्राइब अवर मोटिवेशन नीड्स टू देयर एब्सेंस. इन अदर वर्ड्स इसमें क्या होता है, व्हेन पीपल फील लैक ऑफ फूड क्लोदिंग तो वो साइकोलॉजिकल नीड से पूरी हो गई, ठीक है, शेल्टर हो गया, सिक्योरिटी हो गई, सोशल रिलेशनशिप हो गई, आपकी रिस्पेक्ट भी हो गई, ठीक है. तो अब आप क्या, लास्ट में आपकी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जिसमें आपको क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए. सच नीड्स मोटिवेट पीपल बाय देयर प्रेजेंस. इट मीन्स आपको इंक्रीमेंट चाहिए अपनी सैलरी में और आपने अपना पूरा मतलब पूरे अच्छे से आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो आपको प्रमोशन भी चाहिए, आपको सैलरी में इंक्रीमेंट भी चाहिए, आपको अदर तरीके के बेनिफिट्स भी चाहिए. तो वो आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे. तो अपन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये बोला गया है कि मैनेजर को इन हायरार्कीज के बारे में पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लेवल पे कौन कौन सी नीड अराइज होती हैं उनके एम्प्लॉयज़ की और वो उसी हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे. फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल सेफ्टी नीड्स पूरी हो गई, उसके बाद में चलो सोशल नीड्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स करवाया जाता है, ठीक है, फन फ्राइडेज रखवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि आप आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से घुलो. जब वो पूरा हो जाता है तो और जब ये देखा जाता है कि हाँ ठीक है एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से काम कर रहे तो मैनेजर शुड प्रेज देम. तो फिर मैनेजर को ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको मोटिवेशन करना चाहिए. तो ये होता है मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी. वंस अ लेवल ऑफ नीड इज सेटिस्फाइड यू मूव टू द अनदर लेवल ऑफ नीड्स, ठीक है. ऐसे नहीं होता कि आप डायरेक्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे मूव कर जाओ या सेल्फ एस्टीम पे मूव कर जाओ. तो ये होती है अपनी मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी. देखो इसमें मैंने बता रखा है, आई हैव गिवन एक्सप्लेनेशन, सो यू कैन टेक इट द स्क्रीनशॉट ऑल्सो कि साइकोलॉजिकल नीड्स में आपकी सैलरी आती है, सेफ्टी नीड्स में आपकी पेंशन, सेफ वर्किंग कंडीशन आती है, सोशल नीड्स में आपकी फ्रेंडशिप आती है, फिर सेल्फ एस्टीम के नीड में आपको प्रेस्टीज चाहिए होता है, रिकॉग्निशन चाहिए होता है, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आपको ग्रोथ चाहिए होती है. अब हर नीड्स, हर जो थ्योरी होती है उसका लिमिटेशन होता है. इस थ्योरी की लिमिटेशन ये थी, इसमें ये बोला गया कि लॉजिकल थ्योरी थी, चलो ठीक है हमने माना. सबसे पहली चीज़ है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी इन एवरी केस की हायरार्की ऑफ नीड्स चले. फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब करने जाती हूँ और मेरे को नहीं मतलब है मुझे कितनी सैलरी मिल रही है, मुझे सिर्फ मेरा टाइम पास करना है, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि हाँ आई एम अ वर्किंग लेडी और आई एम डूइंग समथिंग, तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर काम करना है और मुझे सोशल ग्रुप्स बनाने हैं जिससे मेरा मन लगा रहे. तो यहाँ पर मैं कहाँ पर शिफ्ट हो गई डायरेक्ट, दैट इज़ सोशल नीड्स. तो ना ही मैंने मेरे सेफ्टी के बारे में सोचा, मुझे नहीं लगा कि इंश्योरेंस दे रही है तो ठीक है, नहीं दे रही है तो ठीक है, आई डायरेक्टली मूव टू द सोशल नीड्स. तो ये एक लिमिटेशन था इस थ्योरी में, अपन डायरेक्टली मूव किसी भी नीड पे नहीं कर सकते थे. इट ऑब्वियसली इट स्टेज होता है, उसको ख़त्म किया ERG थ्योरी. ERG थ्योरी ने इसके जो AH Maslow की नीड हायरार्की थ्योरी के लिमिटेशन के ऊपर काम करा. और दिस थ्योरी ये किसने दी, क्लेटन एल्डरफर्ड ने ये थ्योरी दी है और उसने जो कैटेगरीज हैं नीड्स की उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेड नीड्स, रिलेटेडनेस नीड एंड ग्रोथ नीड्स. इसमें एल्डरफर्ड ने बोला है कि जो सेफ्टी और साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं वो एग्जिस्टेंस नीड्स में आएगी,
जो सोशल सोशल और सेल्फ एस्टीम होगी वो रिलेटेडनेस में आएगी, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ग्रोथ नीड में आएगा. मतलब उन्होंने डिवाइड कर दिया है अपनी नीड्स को 8-8 पार्ट में. एल्टरफर ने ये कहा है कि जरूरी नहीं है जो भी एक पर्सन हो उसको एक हायरार्की ऑफ नीड फॉलो करना हो. वो कोई से भी नीड पे डायरेक्टली स्विच कर सकता है, उसका कोई सा भी मोटिवेशन मोटिवेटर फैक्टर बन सकता है. दैट इज़ ERG थ्योरी, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. तो एग्जिस्टेंस नीड्स बोलती है, इसमें साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स आती हैं. दीज नीड्स आर रिलेटेड टू द फिजिकल वेलबींग एंड प्रोटेक्शन. बेसिकली ये दोनों चीज़ें आती है इसमें. इस और ये कैसे पूरा करा जा सकता है, फेयर रेमुनरेशन देके, हेल्दी वर्क कंडीशंस देके, इंश्योरेंस देके. ठीक है, मानो आई डोंट मेरा ये कोई मोटिवेशन है ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली मूव कर सकती हूँ रिलेटेडनेस नीड्स में. रिलेटेडनेस नीड में क्या आएगी, नीड फॉर सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप विद अदर्स. मीन्स मेरे सोशल ग्रुप्स बनने चाहिए, मेरे अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए मेरे सुपीरियर से, सबॉर्डिनेट्स से, मेरे फ्रेंड्स वगैरह से. ठीक है, तो ये आती है रिलेटेडनेस नीड. फिर ग्रोथ में आती है सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि मुझे रिकॉग्नाइजेशन भी मिलना चाहिए, मुझे मेरा ह्यूमन पोटेंशियल पूरा है, फुलेस्ट मैंने अपना काम किया है, तो मुझे ग्रोथ मिलनी चाहिए, मेरी कैपेबिलिटीज के हिसाब से मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. तो अगर मानो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रही हूँ और मैं एक मैनेजर की पोजीशन पे जा रही हूँ, तो आई डोंट गिव लाइक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे पोजीशन से है, मुझे मैनेजर बनाया गया है, तो आई डोंट केयर कि मेरी सैलरी में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आया है, तो भी मुझे चलेगा, जितनी सैलरी आ रही है उतनी आने दो, बट मुझे मेरी पोजीशन हायर चाहिए, दैट इज़ मैनेजर की पोजीशन चाहिए. तो डायरेक्ट मैं किस पे मूव कर जाऊँगी, ग्रोथ नीड्स पे मूव कर जाऊँगी. तो इसमें मेरे को कोई पर्टिकुलर हायरार्की फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, ये बोला है ERG थ्योरी में. सी एग्जिस्टेंट नीड्स आर साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, मैंने आपको बताया. रिलेटेड नीड्स क्या होती है, सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप विद अदर्स. एंड द लास्ट वन इज़ ग्रोथ नीड्स, जिसमें आपको फुल ग्रोथ चाहिए होती है, डेवलपमेंट चाहिए होता है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइम से काम कर रहे हो. तो आप इसमें आपको कोई हायरार्की फॉलो नहीं करनी, आप किसी भी नीड पे डायरेक्टली स्विच ऑन कर सकते हो, ये एल्डरफर ने दी है. ठीक है, अब इसके कुछ मैरिट्स हैं. पहला मैरिट है, ERG थ्योरी अज्यूम्स दैट बोथ सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेशन प्रोसेस एंड फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रोसेस. अब ये दोनों क्या होते हैं, देखो मैंने डायग्राम में शो कर रखा है. सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेशन तो क्या होता है कि आपकी एग्जिस्टेंस नीड्स पूरी हुई, फिर आप रिलेटेडनेस में गए, रिलेटेडनेस पूरी हुई तो आप ग्रोथ पे गए, तो ये क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन, कि आप 8x8 इंडिविजुअली मूव ऑन कर रहे हो. अब इसमें क्या होता है, अब मान लो कोई इंसान है, उसको ग्रोथ मिल ही नहीं रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको प्रमोशन मिल ही नहीं रहा है, तो वो नीचे की तरफ भी मूव कर सकता है. उसका सारा ध्यान इस पर भी आ सकता है कि ठीक है मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए, मुझे अच्छे कंडीशंस दे दिए जाए, मेरे को प्रमोशन नहीं दे रहा, तो वो आ जाता है फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन में. इसमें उल्टा भी हो सकता है, आप ग्रोथ से रिलेटेडनेस पे भी जा सकते हो और रिलेटेडनेस से एग्जिस्टेंस पे भी जा सकते हो. तो ये बोलता है कि जो अपनी नीड हायरार्की थ्योरी थी वो किस पे वर्क करती है, सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेशन पे, बल्कि जो अपनी ये वाली थ्योरी ERG थ्योरी, इट वर्क्स ऑन फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन पे. ठीक है, ये दोनों चीज़ें मानती है, एक इंसान कैसे भी मूव ऑन कर सकता है, दैट्स अप टू हिम, इट्स अ फ्लेक्सिबल, बिकॉज अपन को ऐसे भी नीड को कर सकते हैं. ये बेटर सपोर्ट मिला था स्कॉलर से, पहले वाली थ्योरी को बेटर सपोर्ट नहीं मिला था, और ये काफ़ी लॉजिकल भी है, काफ़ी लॉजिकल है. जिसके मोटिवेशन फैक्टर सबके अलग हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि सब एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद ही वहाँ तक पहुँचे. नाउ इन दिस आई हैव गिवन द डिफरेंस बिटवीन द थ्यू. देखो मैस्लोस ने 5 कैटेगरीज बताई है, एल्डरफर ने 3 कैटेगरीज बताई है. ठीक है, मैस्लो ने बोला है इट्स सिक्वेंस ऑफ इमरजेंसी ऑफ नीड्स होती है, आपको सिक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा. और एल्डरफर ने बोला है ऐसे कोई सिक्वेंस नहीं होती है, आप डायरेक्टली हायर लेवल नीड पे भी जा सकते हो. इसमें मैंने आपको बताया था फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन का कोई प्लेस नहीं होता, दैट इज़ आप उल्टा कभी नहीं जा सकते हो, बैकवर्ड कभी नहीं जा सकते हो. और इसमें दोनों जगह फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन भी चलता है और सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन भी चलता है. ऑब्वियसली मैस्लो को स्कॉलर से बहुत कम सपोर्ट मिला था, उसके अगेंस्ट में बोलने वाले बहुत लोग थे, और एल्डरफर को काफ़ी सपोर्ट मिला और काफ़ी बोला गया कि इसकी नीड जो है, इसकी थ्योरी जो है वो काफ़ी अच्छी है और पॉइंट ऑफ व्यू है. तो ये अपनी दो थ्योरी थी. अब नेक्स्ट सेशन में अपन आगे की बाकी की दो थ्योरीज करेंगे. आई होप आपको ये दोनों थ्योरीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. थैंक यू सो वेरी मच.